नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFE में। आज हम बात करने वाले हैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। इसकी लिस्टिंग बहुत ही धमाकेदार देखने को मिली थी, 700 प्लस के प्राइस पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आया था। डबल से भी ज़्यादा इसने पैसे बनाकर दिए थे, लेकिन लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, और छोटी मोटी गिरावट नहीं है। अपने लिस्टिंग प्राइस से ऑलरेडी 40% के आसपास का हमें ये करेक्ट होता हुआ नजर आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आपने अभी भी होल्ड किया है तो क्या यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या फिर यहां पर आप फिर से बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं? इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1800 करोड़ से भी कम का हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर बात करें इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो वो है 435 रुपीज़, जो कि आज ही के दिन 10% से भी ज़्यादा हमें करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 12.66% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 26.65% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पर ज़्यादा हमें पुरानी हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नया स्टॉक हमें यह दिखाई देता है। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो 31.62 है, और प्राइस टू बुक रेशियो 10.55 हमें दिखाई देता है। यहां पर सेक्टर का पी रेशियो और सेक्टर का पीबी रेशियो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करेंगे और हमें पता चलेगा कि इसका वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो ऑफकोर्स आपको पता है, नाम से ही पता चलता है कि यहां पर कंपनी कामकाज करती है स्पेशलिटी केमिकल्स में, मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलाइज केमिकल्स का, और यहां पर डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी सप्लाई करती है और अपने प्रोडक्ट्स को यह एक्सपोर्ट भी करती है, जो कि ओवरऑल एक अच्छी बात है। यहां पर बात कर लेते हैं पीयर कंपनीज के बारे में, और यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों हमें इतनी ज्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है इसके लिस्टिंग के बाद। तो आप देख पाएंगे कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का जो पी रेशियो है वो है 31.62, आरती इंडस्ट्री का 33.1 है। अगर बात करें विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में तो 37.44 है। नवीन फ्लोरिन का जो हमें दिखाई देता है वो 23.93। तो ऑफकोर्स यहां पर जो पीई रेशियो दिखाई देता है वन ऑफ द हाइएस्ट हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अपने पीयर कंपनी से बहुत ही सस्ता हमें दिखाई देता है, और जैसे कि हमें पता ही है आरती इंडस्ट्री, विनाती ऑर्गेनिक्स और नवीन फ्लोरिन काफी ज्यादा बड़ी कंपनीज है इन कंपैरिजन टू कैमकॉन। ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी जायंट कंपनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन कंपैरिजन टू कैमकॉन अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स आरती इंडस्ट्री, विनाती ऑर्गेनिक्स और नवीन फ्लोरिन कैमकॉन से तो कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी हमें दिखाई देती है। उनका जो बिजनेस है, कामकाज है, वो भी कई बड़े पैमाने पर हमें होता हुआ नजर आता है। तो ये एक बात है कि यहां पर पी रेशियो फिर भी हमें सेम दिखाई दे रहा है, और ये जो पी रेशियो है 500 के प्राइस के आसपास का था, तब का पी रेशियो दिखाई दे रहा है, और ये स्टॉक 700 के ऊपर निकल चुका था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से स्टॉक में भारी गिरावट हमें लिस्टिंग के बाद देखने को मिलती है। अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो आप देख पाएंगे प्राइस टू बुक रेशियो वन ऑफ द हाइएस्ट नहीं है, हाइएस्ट हमें दिखाई देता है 10.55 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है, जो कि हमें हाइएस्ट यहां पर इसके पीयर कंपनीज में दिखाई देता है। तो ऑफकोर्स इतना ज्यादा हमें यहां पर इसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता है कि कंपनी जो आरती इंडस्ट्री है, विनाती ऑर्गेनिक्स है, नवीन फ्लोरिन है, उनका जो हमें चार्ट हिस्ट्री दिखाई देगा कंपनी ने कितना कामकाज किया है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स को पता है कि कितने यहाँ पर जो रिजल्ट्स है कैसे देखने को मिलते हैं, कंपनी ने कैसे सारी सिचुएशंस को हैंडल किया है, कैसी प्राइस मूवमेंट रही है, कंपनी ने अपने कामकाज को कैसे हैंडल किया है, ये सारी चीज़ें फिलहाल यहाँ पर छोटे निवेशक को तो स्पेशली नहीं पता रहती है। FII DIS जो बड़े निवेशक होते हैं उनको तो फिर भी पता रहती है, लेकिन हमारे जैसे जो निवेशक होते हैं उनको कैमकॉन के जो या कोई भी नई लिस्टेड कंपनी हो उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर ज्ञात नहीं होता है। तो यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा महंगा दिखाई देता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, अच्छा कामकाज करती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, और इतना ज़्यादा वैल्यूएशन एक स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर डिजर्व नहीं कर पाती है। आपको बताइए, जब भी कोई स्टॉक हमें बहुत ही ओवर वैल्यूएशन में दिखाई देता है, अगर वो मोनोपोली वाला बिजनेस है, लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी समय से उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई देता है, तो वो उसको हैंडल कर पाती है। लेकिन अगर कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी या फिर स्मॉल कैप कंपनी है तो वहां पर ऑफकोर्स हमें टाइम टू टाइम करेक्शन देखने को मिल जाता है, वापस मार्केट खुद को यहां पर करेक्ट करने की कोशिश करता है, और यही यहां पर हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने भी आपको यही राय दी थी कि यहां पर जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, कोई भी केमिकल्स वाले अगर आपको यहां पर IPO आते हुए नजर आए, या फिर जो भी ऐसे सेक्टर्स है, फार्मा सेक्टर्स है, IT सेक्टर है, जो कि COVID-19 से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, COVID-19 के कारण बहुत ही ज्यादा तेजी आती हुई नजर आती है, तो अगर उसके कोई भी IPO है, जैसे कि रोजरी बायोटेक है, कैमकॉन है, साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स का देखने को मिला, रूट मोबाइल का
देखने को मिला। तो यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि खुद को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुके हैं। लेकिन मैंने आपको यही राय दी थी और मैं अभी भी यही राय देना चाहूँगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेंस के लिए ले लिया तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन सबको पता है, केमिकल सेक्टर के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हमें दिखाई देती है। तो ये जितने भी हमें यहाँ पर उनके प्रमोटर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कैमकॉन के हो गए, तो उन्होंने भी इस समय का फ़ायदा उठाया है, इस मौके का फ़ायदा उठाया है और यहाँ पर कंपनी को लिस्ट कर दिया है और अच्छे खासे प्रीमियम पर इसे लिस्ट कर पाए हैं। और आप देख पाएंगे अभी भी इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद इसका पी रेशियो और पी बी रेशियो ऐसा नहीं है कि बहुत ही नीचे पानी में चला गया है, अभी भी इसका ठीक ठाक पी रेशियो और पी बी रेशियो हमें दिखाई देता है। तो ये एक बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, क्या यहाँ पर बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, कंपनी कामकाज कैसा कर पाती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू 88 करोड़ के आसपास की थी हमें, जो कि 2020 में 266 करोड़ के आसपास होती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट्स के बारे में तो 2017 में 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 48.86 करोड़ होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें 2019 के बारे में तो रेवेन्यू ज़्यादा दिखाई दे रही थी, रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड में उबड़ खाबड़ जैसी सिचुएशन देखना उसके लिए आपको यूज टू होना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटा बिजनेस होता है, तो ऑफकोर्स गिरावट भी हमें देखने को मिली जाती है स्टॉक्स में, नहीं ऑफकोर्स कंपनी भी परफॉर्मेंस हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ व्यू देख लेते हैं, कैसी सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख पाएंगे ज़्यादा पुराना डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना डेटा है उससे हमें यही पता चलता है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म हमें करके दिखाया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.46%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 3.32% की होल्डिंग, DIIs के पास है 8.02% की होल्डिंग, FIIs के पास है 3.21% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 14.29% की होल्डिंग। तो ये भी एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर प्रमोटर के बाद हम बात करें तो अदर पार्टीज यानी कि रिटेल निवेशक के पास ही ज़्यादा माल यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जो कि ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन की बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर जो गिरावट देखने को मिलती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई रिटेल निवेशक माल बेच रहा है इसी वजह से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स कोई अगर बड़ा यहां पर FII DIII म्यूचुअल फंड अगर माल बेचे तो ही हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो फिलहाल की सिचुएशन ही ऐसी ही हमें देखने को मिल रही है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ परसेंटेज है, कुछ रेशियो से जिन्हें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज 26.56 दिखाई देता है, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 18.64, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 33.37 है, ROC 42.41 है, रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि ROA 21.63 दिखाई देता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हर एक सिचुएशन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हमें 2000 मार्च 2020 के नंबर्स भी दिखा देते हैं वो भी काफी शानदार है। ROE 30 प्लस है, ROC 40 प्लस है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 20 प्लस है, जो कि काफी शानदार हमें दिखाई देते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो 2.8 के लिक्विडिटी रेशियो है, क्विक रेशियो यहाँ पर हमें 2.02 दिखा देता है, जो कि काफी अच्छा दिखा दे रहा है, लिक्विडिटी की कोई भी इशू यहाँ पर दिखाई नहीं देती। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो 0.3 है, यानी कि कंपनी पर कर्जा जरूर है, ऐसा नहीं है कि कर्ज मुक्त कंपनी है, एकदम बिल्कुल ही टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखा देता। अगर ये 0.5 या 0.6 चला जाता है तो यहां पर थोड़ी सी खतरे की घंटी बज जाती है, वहां पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। हालांकि पिछले साल के मुकाबले डेट टू इक्विटी कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 14.86 है, जो कि 16.3 हमें दिखाई दिया था। एसेट टर्नओवर रेशियो 116 है, जो कि 175 था, यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5.545 है, जो कि 6.62 हमें दिखाई दिया था, तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो आप देख पाएंगे 3 ईयर CAGR सेल्स बनकर आता है 29.12, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसका एक रीज़न भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सपोज एक कंपनी बहुत ही छोटी आप चला रहे हैं, यहाँ पर छोटा कामकाज आप करते हैं, सपोज आपको ऑर्डर मिलता है यहाँ पर 1 करोड़ का और यहाँ पर अगले ही दिन अगले ही महीने आपको ऑर्डर मिल जाता है 2 करोड़ का, तो आपके लिए वो बहुत ही बड़ा ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पर भले ही फर्क 1 करोड़ का हमें
दिखाई देता है, लेकिन परसेंटेज वाइज काफ़ी बड़ा फर्क दिखाई देता है। और सपोज यहाँ पर आगे के क्वार्टर में आपका बिजनेस कम परफॉर्म करता हुआ नजर आता है और वापस हमें यहाँ पर 50 लाख का आपका ऑर्डर मिलता है, तो गिरावट भी वैसे ही देखने को मिलती है। तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर अमाउंट्स काफ़ी छोटे हमें दिखाई देते हैं। तो ऑफकोर्स कैमकॉन भी कोई यहाँ पर TCS तो नहीं है, रिलायंस तो नहीं है कि यहाँ पर हमें स्टेबल ग्रोथ दिखाएगा। तो ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो वो सारे रिस्क भी यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, तो आगे जाकर हमें ग्रोथ भी वही देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं। अब चार्ट्स पर चलते हैं, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है और ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा चार्ट हिस्ट्री हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसकी लिस्टिंग 700 प्लस पर हमें होती हुई नजर आई थी और उसके बाद उसी दिन काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अपने ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास हाई बना और जो लो बना था उसी के आसपास क्लोज हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल हमें देखने को मिली थी और लगातार उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। फ्री फॉल में हमें स्टॉक यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट भी किया था कि अगर आपने यहाँ पर लिस्टिंग गेंस के लिए है तो लिस्टिंग गेंस बुक करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं पर्सनली यहाँ पर जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत ही बम्पर लिस्टिंग हमें दिखाई देते हैं, और स्पेशली ऐसे माहौल में जब यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, मार्केट का जो शॉर्ट टर्म का व्यू है 2-4 महीने का व्यू वो काफ़ी वॉलेटाइल दिखाई देता है, US के इलेक्शंस कैसे आने वाले ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में लिस्टिंग गेंस को बुक करना ही सबसे अच्छा चॉइस होता है। बम्पर लिस्टिंग इसमें देखने को मिली थी, तो यहाँ पर मैंने आपको वही रेकमेंड किया था कि आप लिस्टिंग गेंस को बुक कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसे स्टॉक को रखा है तो मेरा मानना है ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा दिखाई दे रहा है, इसी वजह से स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। और अगर बात करें यहां पर इन्वेस्टिंग क्या फिलहाल करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस पे करना चाहिए, तो मेरा मानना है करंटली मैं यहां पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगा और आपको भी मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप भी करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट करें जब तक ये स्टॉक हमें स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पर ऐसी कोशिश मत कीजिएगा कि यहाँ पर एकदम लो पर ही आपको स्टॉक चाहिए, 10-15-20-25 रुपये ऊपर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यूअसली स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है, यहाँ पर स्टॉक आज 10% तक करेक्ट हुआ था, तो यहाँ पर एक तो ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए, कुछ तो बुलिश सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल जाए, और स्पेशली इसका अभी भी जो वैल्यूएशन निकल कर आता है वो अभी भी इतना ज़्यादा बेहतर वैल्यूएशन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है, अभी भी महंगे ही वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। और जब भी अच्छे प्राइस पर तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा। और ओवरऑल अगर बात करें तो इससे बेहतर कंपनीज हमें दिखाई देती है मार्केट में जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसकी चार्ट हिस्ट्री भी हमें पता है, जिसके मैनेजमेंट ने कैसे यहां पर बुरे टाइम्स में सर्वाइव किया है, ये सारी चीजें भी हमें पता होती है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका कामकाज भी इससे काफी बड़ा दिखाई देता है। ऑफकोर्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क भी आपको बहुत ही ज्यादा फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।